नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर के शहरों में अलग अलग जगह पर खुशी का माहौल देखा गया। देश भर के सभी शहरों में चौकों चौराहों और मंदिरों में भव्य ढंग से उन्हें सजा करके कई श्रद्धालुओं द्वारा देसी घी के दीपक जलाकर मानो दीपावली मनाई गई हो। लोगों ने चौक और चौराहों में भारी संख्या में एकत्र होकर के खुशियां बांटी। वहीं भाजपा व आरएसएस के नेता भी एकत्र हुए। इतना ही नहीं, ढोल और नगाड़ों से पूरे शहर को मानो गुंजायमान कर दिया हो। चारों तरफ हाथों में भगवा ध्वज दिखाई दिए। कई जगह पर जल से और जुलूस भी निकाले गए, जहां भगवान राम के नाम और जय श्री राम के नारे लगाए गए। मंदिरों को भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। लोग भगवान राम के भजनों और उनके गीतों पर थिरकते नजर आए। नागरिकों ने बड़ी श्रद्धा से शहर के सभी चौकों में देसी घी के दिए जलाए। कई जगह तो आतिशबाजी भी की गई। ये एक बार फिर से वही माहौल था, वैसा ही समय था, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। वहीं कुछ समय के लिए थालियां भी बजाई थी। इसके अलावा अलग अलग शहरों में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस और भाजपा नेताओं ने अलग अलग मंदिरों में जाकर के संघर्ष गाथाएं सुनाई। देश भर में श्रद्धालुओं में राम मंदिर को लेकर के भारी खुशी की लहरें देखी गई। जगह जगह पुरुष और महिलाएं तथा बच्चे मस्ती में नाचते झूमते नजर आए। वहीं लोगों ने अपने घरों में, दुकानों में तथा मंदिरों में दीपमाला कर दीपावली मनाते हुए भगवान श्री राम की पूजा और अर्चना भी की। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। 493 वर्ष की गुलामी के बाद जो औरंगजेब ने वहां पे राम मंदिर की भूमि को तोड़ करके जो बाबरी मस्जिद बनाई थी उसको कार सेवकों ने पूरी तरीके से ध्वस्त करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो फैसला हमारे पक्ष में आया है और जिस प्रकार से मोदी जी ने आज राम मंदिर की शुरुआत की है बनाने की, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदू समाज के अंदर एक खुशी का माहौल है। और ये खुशी का माहौल इतना है कि भी हम आज कार सेवा के अंदर अयोध्या के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश हम लोग वहाँ पे नहीं जा सके व्यवस्थाओं के कारण से, लेकिन आज हम यहाँ कैथल के अंदर इस खुशी को मना रहे हैं। हम ये आज इस दिन को दिवाली के रूप में मना रहे हैं। हम यहाँ पे हर चौक के अंदर दिए जला करके भगवान राम के मंदिर की जो शुरुआत हुई है उसकी खुशी को मना रहे हैं। सभी लोग थे, इनमें से 10-12 लोग थे जो 1992 के अंदर, 1990 के अंदर कार सेवा में गए थे। आज उसी का जो मस्जिद ध्वस्त करके आए थे, ढांचा ध्वस्त करके आए थे, उसी को आज पूर्ण रूप से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो आज शिला का निर्माण पूरा पूजन किया है, उसी के विशेष रूप में हम आज मैं आज 5 अगस्त को मनाएंगे। 5 अगस्त का दिन हमारे इतिहास में एक नई शुरुआत लेके आया है। हिंदुस्तान में आज ऐतिहासिक दिन है। 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भगवान राम का मंदिर का पूजन किया है, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू लोगों में बड़ा जोश है। आज बड़ा खुशी का दिन है। दिवाली की तरह पटाखे, नगाड़े, दीवार दीवे जला करके हम इस त्यौहार को मना रहे हैं और बड़ा विशाल हम मंदिर बनेगा भगवान राम का अयोध्या के अंदर, और लोग दर्शनीय चीज बनेगी, लोग वहाँ जाकर दर्शन करेंगे। भगवान राम की पूजा हर शहर में, हर गांव के अंदर हो रही है। हम हमारे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
हिंदुओं में जो उत्साह है, हमारा सौभाग्य नहीं था जिस समय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, हम लोग उस समय शायद पैदा भी नहीं होंगे या बचपन, लेकिन आज जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है उस समय हम इसको अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मैं कहता हूँ धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ जिसने ऐसा वीर सपूत पैदा किया कि आज वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे राम मंदिर बने, अन्य हमारे बहुत से हिंदुत्व के नेता और भारत के बहुत से लोग, लगभग 100 करोड़ के लोग इस उत्सव को चाहते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला है। हम तो धन्य करते हैं उस ऐसी माँ को जिसने ऐसा वीर सपूत पैदा किया। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली।